चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कोई चंद्रपाल सिंह आख्या चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है और आम जनता की जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी और चित्तौड़ के इतिहास में कभी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई, इतनी बड़ी जीत क्या की होगी। इतिहास की बात करिए त्रिकोणीय, हाँ जीतने में तो कई निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा, यहाँ की जनता जीतेगी और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर की आपस में कंपटीशन में, वरना जीतने में हम लोगों को कहीं दूर दूर भी कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार के लोग उमड़े हैं, जिस प्रकार लोगों की एकदम चेंजेस हुए हैं कि भाई यहाँ स्थानीय युवा चाहिए, क्यों दोनों कांग्रेस और बीजेपी से जो कैंडिडेट लड़े हैं वो 70 के अबव के हैं, उनको उनकी ज़्यादा कोई है नहीं, इसलिए खुद को और यहाँ के महिला वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सभी आम जनता चुनाव लड़ रही है और यहाँ की जनता का चुनाव निर्दलीय जीतेगी। दोनों बड़ी सत्ता कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो योगी जी से इफेक्ट होगा, नहीं प्रियंका जी से हुआ। हम 22 तारीख को हम रैली करेंगे और बड़ी अच्छी रैली करेंगे। 10 साल में ऐसा क्या रहा है? यहाँ से जनता का दिल जीता है, जनता का मन जीता है, इसीलिए जनता साथ है और जनता चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियाँ बौखलाहट के कारण और दोनों का एज का भी फैक्टर है, दोनों का एज के कारण इस प्रकार के बोलने में थोड़ा फर्क आता है उनका। हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। Come on, dude.